385 mm है तो 185 mm हमको मिल गया यहाँ पर, 185। ओके, वी मार्किंग मिल गया, लेकिन सेकंड तो ये नीचे का रेडी हो गया फ्रेंड्स, इसको अभी ऊपर लगाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक रेशियो है, और ये रेशियो को हमको ये पैनल में वर्टिकल ड्रॉप डालना है। तो ये क्या है कि ये जहाँ पर है उसके सीधे कुछ नहीं है, ये इधर ऑफसाइड होने वाला है और इधर आगे भी आने वाला है, लेकिन आगे को हम डायरेक्ट उधर से आगे लेके आएंगे और सीधे एक ऑफसाइड करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले कैसे हम करते हैं वो थोड़ा देखिए। मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने मेजरमेंट करके कितना मैं लेके आएगा वो कर देता हूँ। पहले वॉल से कितना आओ, मेरे को इधर 300 का लेना है, तो 300 के लिए हमको ये जो चौड़ा जगह चाहिए, क्योंकि इधर थोड़ा कम गैप मिलता है, जो कि वायर और केबल आने के लिए दिक्कत होगा। ओके, तो इसका कवर के हिसाब से हम करेंगे कुछ 140 mm उसका आ रहा है, कोई 140 mm करके हम मार्किंग कर लेंगे। ओके, देख सकते हैं ये एक मार्किंग कर दिया, और वो रेशियो से प्लम डालेगा ये कितना आगे पीछे है हमको भी मालूम चल जाएगा, वही हिसाब से हम एक पीस बना लेंगे। और एक बात, इधर से 300 किधर रहता है, इसका सेंटर पहले चेक कर लेंगे। ये होता है 260 का 130 सेंटर होता है, 260 है तो 300 होने के लिए और 20 mm इधर उधर होगा। ओके, तो ये साइड को 20 mm, ये साइड को 20 mm जाएगा, जो कि सेंटर आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये 260 का प्लेट है, इधर 20 mm, इधर 20 mm हम कर दिया, जो कि 300 हो गया। और एक बात, हम अभी प्लम डालने वाले हैं, प्लम डाल के कितना है ये जो मार्किंग से ये कितना हटा हुआ है वो हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, वो रेशियो का राइट साइड से हमने ये जो पैनल का राइट साइड जिधर लाने वाले हैं उसका मेजरमेंट एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर कैसे क्रॉस मेजरमेंट नहीं कर सकते, इधर मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमको कुछ थ्री हंड्रेड का हमको अपसाइड करना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो भी थोड़ा बता देते हैं आपको। यहाँ पर थोड़ा दिखाओ, देख सकते हैं ये हमको ये साइड में जाना है, थोड़ा दूर से ले लो, ये हमको ये साइड में ऐसे जाना है, तो ये रास्ते में आ जाता है, ये टच होने का चांसेस है। तो हम कुछ यहाँ से 280 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 280 से स्टार्ट करेंगे तो इधर टच नहीं होगा, क्योंकि इसका लेबल इधर थोड़ा है, और 280 से हम जस्ट कुछ 800 तक करेंगे इधर तक। ओके, इतना दूर तक करके ऐसे 300 है, ऐसे 1 2 3 4 700 तक आया, तो 420 के आसपास हमको 300 by 420 mm की एक जेड मारना है, जो कि 300 है। और ये वीडियो पहला टाइम ही है, जो कि फार्मूला के साथ हम आपको बताने वाले हैं। पहले फार्मूला बताया था लेकिन प्रैक्टिकल वीडियो नहीं दिखा रहा, इस वीडियो में आपको दोनों मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमको 280 के बाद 420 का ऐसा वाला स्ट्रेट होगा, और ये 300 का होना चाहिए, ऐसा वाला जेड चाहिए। लेकिन ऊपर का हिस्सा जो उसका भी मेजरमेंट हमने ले लिया, ये वॉल से क्या है कि वो जो रेशियो आया हुआ है इधर तक। ओके, अभी हमको ऐसा 43 mm लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 93 है, 93 से 50 mm हमारा ये जाएगा। ओके, 50 mm जाने के बाद 43 बचता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये 400 by 300 का हमको एक जेड ऑफसेट चाहिए, ऐसे हाइट 420 और ऐसे 300। तो ये जो रेशियो लिया हमने 300 का खुद ले लिया, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, दिख रहा है ऐसे खाली 300 दिख रहा है तुमको? हाँ,
इधर हाँ, तो 300 ले लिया, मतलब 300 का रेशियो है। तो ऐसे 420 हमने यहाँ से लिया, देख सकते हैं यहाँ पर हम 100 mm से पकड़ा, 520 यहाँ पर है, तो 420 होता है ना। तो 420 को क्या किया, ऐसे स्केल में हम ये कॉर्नर को, ये जो मार्किंग हुआ उधर हम मार्किंग कर लिया कितना तक हमारा रेशियो जितने का हम ऑफसेट करने वाले हैं। ये रेशियो हमको 300 का ऑफसेट करना है, तो मैंने 300 का कुछ इधर तक मार्किंग करेगा। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये 400 में करता है, उधर 100 mm छोड़ा हुआ है। ओके, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा काम पे, यही ये भी इधर भी हम 300 लिया। ओके, हमको ये भी का मेजरमेंट यहाँ पर मिल गया, देख सकते हैं यहाँ पर हमने 200 से स्टार्ट किया तो 385 mm हो रहे। ओके, 385 mm है तो 185 mm हमको मिल गया यहाँ पर, 185। ओके, भी मार्किंग मिल गया, लेकिन सेकंड भी कहाँ पर करना है, सेकंड भी यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ से 100 से स्टार्ट किया, ये 615 mm हो रहा है यहाँ पर देखिए, तो 100 mm माइनस करेगा तो 515 होता है, 515। ओके, 515 बाई 185, ये हो गया भी, ये हो गया दूसरा भी का मेजरमेंट। ये स्टार्टिंग से है तो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा बाद में होता है। ये भी का मेजरमेंट तो होता है 185, ये होता है 515। तो ये देखिए, मैंने एक भी का एंड से इसका सेंटर लिया है। ओके, ये जो 515 ऐसा ही आपको लेना है। तो इसके आगे वाला वीडियो हम नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगता है, हमको काम करना है। मेजरमेंट यही है, सेम फार्मूला यही है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलेंगे और दूसरा काम दिखाएंगे कैसे क्या करेंगे। हमको अभी पहले एक बैंड बनाना है, ये वाला बैंड बनाना है, ये कपलर भी हमको चाहिए। तो 43 mm के बाद हम बैंड काट करेंगे, यहाँ से 43 mm ले लेंगे, छोड़ो 43 यहाँ पर ले लिया, ये साइड भी ले लेंगे 43 लिया। और इसको 90 डिग्री बेंड बनाने के लिए हमको चाहिए 42 mm करके, 41-42 इसी के बीच में रुकेगा। ओके फ्रेंड्स, फोर्टी टू हमने लेता है, इसको 21 और सेंटर का हिस्सा जो 50 mm पहले माइनस किए थे उसके लिए कुछ 70-69 ऐसा कुछ रखेंगे, क्योंकि पहले 72 रखता था, वो थोड़ा बड़ा हो जाता था, हम इसीलिए 70 से थोड़ा कम रखेंगे, 69 रखेंगे। उसके बाद सेम और एक 45 डिग्री के लिए हम 42 और 21 रखेंगे, इधर सेम उसी तरह कुछ 69 ले लिया, 69 के बाद हमने सेम 42 किया, उसका सेंटर इतना निकाल दिया। निकालने के बाद अभी इसको मार्किंग कर लेते हैं, साइड को चाहिए क्योंकि ये ऊपर जाएगा सेंटर, लेकिन जो साइड वाला वो कटिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 50 mm माइनस करेंगे, जो 280 mm हमको चाहिए एक्चुअली। देखिए ये 280 mm के बाद हमको जेट मारना है, तो 2 mm से ये 50 माइनस होगा। ओके, 280 माइनस 50, ओके 230 होता है,
तो 230 के बाद हमारा जेड स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से ये सभी फॉल्स में उड़ जाएगा क्योंकि ये बी कटिंग हो जाएगा तो ये पीस हटा दिया जाएगा। तो 230 कहाँ हम कैसे लेंगे देखिए, आपको देखिए 100 से हमने स्टार्ट किया, ये 100 200 30 एम एम, ठीक है उसी प्रकार से यहीं पर भी कर देंगे वही। उसके बाद हमको जो बी मार्किंग ये निकालना है यही करना है, आपको जो साइड को बी करना है वही साइड ही ऐसा 185 का हाफ कितना उसको सेंटर कर दीजिए वही होगा। अभी 185 का अर्धा कितना कैलकुलेटर निकाल बाबू विकास, 185 का हाफ कितना, 40 का हाफ 40, 50 90, 90 ढाई 92 अंडर आधा 140 185। ठीक है तो हमको जेड शायद ये साइड मारना है तो ये साइड हम लेंगे 92 हाफ अंडर 135। ठीक है और ये साइड का ठीक उसी प्रकार से 92.5 राइट एंगल किधर है लिखाओ। तो इसके बाद फिर ये साइड ये एक्चुअली सेंटर है क्योंकि हमको ये साइड भी ऐसा करना है एक एक करना है इसीलिए थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए हमको ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे को वो साइड घुमाना है ओके, लेफ्ट साइड जाना है देखिए हमने ये एक हो गया वो दूसरा भी ठीक है उसी प्रकार से ये एक हो गया इनके सब। अभी ये स्टार्टिंग से इसका सेंटर लेंगे कितना 515 लेंगे तो 515 यहाँ पर लेंगे कितना देखिए अभी 515 यहीं पर होता है 650 ये सेंटर है, सेंटर से इधर 92.5 ओके इधर 92.5 इधर भी 92.5 ये साइड भी ठीक उसी प्रकार से लेंगे। पहले तो 92.5 ले लेंगे डिस्टर्ब करेंगे नहीं तो यहाँ से 515 200 छोड़ा गया है तो 750 होना चाहिए ये ठीक उसी प्रकार से ये भी आधा कर देंगे 92 इधर 92 हाँ। तो हमको ये वाला जब वो ऐसा हुआ ये वाला अपोजिट साइड में होगा तो ये इसका सेंटर इधर चाहिए हमको ऊपर साइड चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर उठा लिया फ्रेंड्स, इसको भी ऊपर उठा लिया, उठा के क्या किया इधर भी मार्किंग कर दिया इधर भी मार्किंग कर दिया ओके, ये साइड भी कुछ उसी प्रकार से कर लिया ये भी कर लिया। तो अभी कट करके आप लोगों को दिखाता है। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स हमने ये बैंड के लिए एक दो कटिंग कर लिया और ये अपसाइड के लिए ओके कटिंग हो गया कुछ इस प्रकार से, भीतर का भी दिखा देते हैं देखिए ऊपर का हिस्सा भी हमने कटिंग किया
ओके, ये भी क्रॉस कटिंग किया गया जो कि फुल फिनिशिंग आएगा। ओके, इसे ध्यान देखिए, ये पेंट के लिए। अभी पेंट करो इसको धीरे, एक एक करके धीरे धीरे करो। ये हो गया, वो दूसरा इधर भी कस्टम करो। ओके, ये पहले जेड जेड जो है पहले चेक करेंगे। अभी ये 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 वाला पीस इधर लगाओ, नहीं तो कुछ लंबा पीस वो वाला पीस लेकर आओ, मेजरमेंट टेप लेकर आओ, ये वाला डालो ऐसे ऐसे लंबा करके इधर तक रखो, जो कि है ऐसे करके रखो, हाँ सेम करके रखो। और मेजरमेंट टेप लेके दबा के रखो, इधर इधर से मेजरमेंट करो। रुको, इसमें फंस गया, फंस गया तो उठा के निकल। ये हमको 300 चाहिए था फ्रेंड्स, तो 300 से थोड़ा कमी हो रहा है। ओके, देखो देखो थोड़ा कमी हो रहा है, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। हम जब ये बी कट को और थोड़ा थोड़ा ग्राइंडिंग करेंगे, ये 300 के आसपास आ जाएगा, 290 ऐसा कुछ है अभी। इसी को खाली ग्राइंडिंग किया जाएगा, अभी हो जाएगा, क्योंकि ये गैप है, ये गैप मर जाएगा तो काम हो जाएगा। ओके, इसके आगे में हम काम नहीं दिखा पाएंगे, इसको होल्डिंग करके फाइनल उधर लगाने के टाइम में आपको दिखाएंगे। प्लेट के बीच में लेके आना था। ओके, इतना ही हमको चाहिए। इधर एक ग्लांड के लिए छोटा सा पीस रख दिया, और वो ये थोड़ा कमी हुआ है। ओके, जो हम 300 सोच रहे थे, ये 290 mm हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन ऊपर का हिस्सा आपको दिखा देता हूँ, ऊपर का रेशियो देख सकते हैं इसी प्रकार से। ओके, तो दोस्तों इसी प्रकार से आज का ये काम ख़त्म हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसका होल भी कर लिया है, और इसका अर्थिंग प्लाट ऐसे स्ट्रेट डाल लिया जो कि वॉल में आया हुआ है, और ऊपर का हिस्से थोड़ा मैं दिखाता हूँ जैसा टाइप का हुआ है, कुछ इस प्रकार से। ओके, 45-45 हो गए, ये हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 45-45 इसके अपसाइड। ये सभी एक सिंगल पीस में हुआ है, इसमें कुछ भी अलग का हिस्सा नहीं लगाया गया। जैसे कि नीचे भी इसका प्लेट जो है मैंने स्क्रू मारा है, वो भी उसी से बेंड करके लगा दिया। फ्रेंड्स सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप ही ये काम, मुश्किल काम को भी आसान से कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। फिर मिलेंगे ऐसे और एक नए टेक्निक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं, नमस्कार।